ना, अगर ये इम्पोर्टेड सरकार समझती है कि FIRs काटकर हमें जेलों में डालकर हम अपने मौकफ से पीछे हट जाएंगे या हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, तो इनकी गलतफहमी है। आज फवाद चौधरी की फैमिली ने चट्टान की तरह, खास तौर पे मैं फवाद चौधरी की अहलिया को हराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड सरकार की बर्बरियत और जुल्म का जिस तरह इन्होंने डट के मुकाबला किया है, कान खोल के सुन लो, हमारी फैमिली तैयार है, इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे। आज जो लोग हम तुम्हारे साथ, आज कौम पाकिस्तान की अदालतों की तरफ देख रही है, और मैं हराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के दलेर और बहादुर वकला को। आज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तहरीक चला दी गई है, इमरान खान इसे खुद लीड कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में आयन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, और ये बंद कमरों में जो बैठ के फैसले करके 22 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझ के फैसले मुसलत कर दिए जाते हैं, ये मुल्क मजीद 75 साल इसी तरह स्ट्रगल करेगा। तो मैं पैगाम देना चाहता हूँ मीडिया की विसात से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम कारकुनान को तैयार रहे। एक तो इन्हें इलेक्शन से नहीं भागने देंगे, ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है इंपोर्टेड सरकार, अगर किसी को एबडक्शन करने की कोशिश की जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब की है, हर घर से हिबा फवाद निकलेगी, निकलेगी उनकी औरतें सब निकलेंगी, यहाँ पे खड़ी होंगी आप लोगों के पास। तो दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, पनामा क्वीन सुने आ रही है, बड़ी तैयारियां की जा रही है, और बड़े मियाँ को भी लाओ, सब आओ, सब आओ इलेक्शन के मैदान में। अकेला कप्तान इमरान खान इन चोरों डाकुओं लुटेरों का डट के मुकाबला कर रहा है, और ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है कि इमरान खान 3/4 से वापस आ रहा है दोनों सूबों में, मरकज में भी वापस आएगा इमरान खान, रोक सको तो।